दिव्यांग लोगों को थोड़ा सा उचेती होता है कि जाने आने ले जाने में थोड़ा सा असमर्थ रहते हैं, उसके कारण से जो आप आए या नवभारत जागृति केंद्र के थ्रू जो उनको कुछ दिया गया, आने जाने के खर्च भी दिया गया, इसके लिए उनका गार्जियन भी और दिव्यांगजनों भी बहुत उत्साह से इस कार्यक्रम में आगे भाग लेना चाहें और सुई ले रहे हैं। अगर इस तरह से संस्था रहा दो चार गो गाँव में समाज में तो और विकास होगा और आगे बढ़ भी रहा और लोग ले भी रहे हैं। इस केंद्र के माध्यम से 130 रुपया आने जाने के खर्च मिला और नाश्ता पानी जो सेकेंड डोज लेंगे उसको भी और मिलेंगे और हम भी सेकेंड डोज लेंगे उसको भी हमको भी मिलेगा। मैं दिव्यांग हूँ फिर भी मैंने वैक्सीनेशन लिया, दोनों डोज मैंने लिया है और बहुत अच्छी बात है। मैंने लोगों को भी कहा कि आप लोग भी लें और लिया है। जब दिव्यांग जन कहीं पे इटवा के अंतर्गत कोई भी छुटा हुआ व्यक्ति नहीं है। मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, इसमें किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है। जितने भी मेरे इलाके के लोग हैं जो छूट चुके हैं वो ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो उन लोगों को आने जाने के जो किराया भाड़ा जो मिल जा रहा है, इस सबसे बड़ी चीज़ एक खुशी है कि मेरे विकलांग लोग जो सुई भी नहीं लेना चाहते थे वो भी लेने के लिए सक्षम है और सुई ले रहे हैं लोग। और आप सब उसे मिलकर मुझे भी खुशी है कि मैं काम अच्छा रूप से करूँगी और करते रहूँगी। अब मुझे इस वैक्सीनेशन पर काम आगे कार्य को मैं बढ़ाऊँगी।